अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ अवाब साबिर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम ये इस तरह की ऐप बार किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, और ऊपर ये वाला जो हमारा स्टेटस बार वाला एरिया, इसको किस तरह स्टाइलिंग वगैरह करके इसका चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि हम ये किस तरह अपना ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को सेट कर सकते हैं, और इसके बाद हम ये पेट और इस तरह हम एक छोटा सा कार्ड बना के देखेंगे कि हम ये किस तरह यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो की कोड मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, ये हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने ऐप बार वगैरह बनाई थी ये वो है। तो ये सारा वो उसके अंदर लिस्ट आई लिया था हमने, किस तरह टाइटल और सब टाइटल दिया था, इसके अंदर आइकन हमने बेल वाला दिया था। तो इसको आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। ऐप बार से बाहर आके अब मैं बॉडी बनाता हूँ, और बॉडी के अंदर मैं ले लेता हूँ सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू। ये स्क्रोल करने के लिए होता है कि कोई भी जब हमारी जो रोटेट करें उसको स्क्रीन को, तो ये इसको पिक्सल्स जो है हमारे ख़राब ना हो, तो ये जो है एरर ना किसी तरह का शो आए। तो ये सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू, ये स्क्रोल करने के लिए चीज़ों को यूज़ होता है। तो इसके अंदर क्या हम चाइल्ड पास करते हैं, और चाइल्ड के अंदर हम पास करेंगे रैप। तो रैप, और रैप के अंदर मैं दे दूंगा वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन डॉट डाउन, तो ये नीचे की जानब, ये हमारा कॉलम की तरह बिहेव करेगा। और इसके अंदर ये चिल्ड्रंस एक्सेप्ट करता है, तो ये चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रंस के बाद मैं यहाँ पे एक ले लूँगा कार्ड, और कार्ड के अंदर जो मेरे पास होगा चाइल्ड होगा, और चाइल्ड के अंदर मैं एक लगा दूंगा, और चाइल्ड है, और चाइल्ड के अंदर मैं ले लूँगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ले लूँगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लेने के बाद इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ अदर ऑप्शन है, डेकोरेशन है, स्टाइल है, हम इसका स्टाइल कर सकते किस तरह, ऑन टैप, इसके टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होगी, कीबोर्ड टाइप कौन सी होगी, और क्यू टेस्ट क्या होता है, कंट्रोलर एक ऑन सेव्ड, ऑटो करेक्ट है, ऑटो करेक्ट का एक फंक्शन होता है, ऑटो करेक्ट के लिए हमें एक लिस्ट देनी पड़ती है, ऑटो फिल हिंट है, और कवर है, इस तरह थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन है जो हमें यहाँ इसके अंदर हम पास कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक चीज़ हम देख लेते हैं। अब हम इसकी सजेशन में आगे देखते हैं, हमें ये बताता है, हाँ कंट्रोलर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जस्ट बता रहा है। ठीक है, इनपुट फॉर्मेट्स की हम पूरी लिस्ट, किस तरह कौन कौन से इनपुट से जा सकते हैं, कीबोर्ड की अपेयरेंस किस तरह की होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, लाइंस कितनी होनी चाहिए, ओके, तो ऑन चेंज हो, तो ये सारी डिटेल हम जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम आते हैं डेकोरेशन की जाने, तो डेकोरेशन, और हमारे यहाँ पे आप पास होगा इनपुट डेकोरेशन। ठीक है, तो इनपुट डेकोरेशन के अंदर भी हमारे पास एक हिंट टेक्स्ट होता है जो टेक्स्ट लेगा हमसे, एक सेकंड, ये जस्ट, हाँ हिंट टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्च हेयर, एंड इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरह हमें डिस्प्ले में आता है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, जब ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ये किस तरह हमें डिस्प्ले होगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमारी। जी, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारी ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है ये बन चुकी है। लेकिन ये इसको अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, और इसको देखेंगे कि हम इस तरह किस तरह चेंज कर सकते हैं इसको। इसको मैं डेकोरेशन को एक दफ़ा कॉन्स्ट कर देता हूँ, कॉन्स्ट करने के बाद हम देखते हैं कि इसको आगे हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने एक हिंट टेक्स्ट दे दी है, ओके, तो इसके बॉर्डर देने हैं, बॉर्डर डॉट, एक सेकेंड, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, बॉर्डर डॉट नन करके इसका एक होता है, हम वो देंगे। तो इसके बॉर्डर हमने एक्चुअली में रिमूव करने, हम इसके इसको रैप करेंगे एक कार्ड के अंदर, तो उसके थ्रू जो है हम इसको सारा को वो सारी स्टाइलिंग करेंगे कार्ड के अंदर, जो हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। इनपुट इनपुट बॉर्डर डॉट नन, तो इसको हम बॉर्डर डॉट नन करने से क्या होगा, वो जो हम उसके ऊपर टैप कर रहे थे और बॉर्डर जो नज़र आ रहा था हमें, वो नज़र नहीं आएगा, वो नीचे वाली लाइन है वो चली जाएगी। ठीक है,
तो इसी तरह हमारा एक और इस तरह के बॉर्डर होंगे, कंस्ट्रेंट्स है, बॉक्स कंस्ट्रेंट्स, वो हम ये बॉक्स कंस्ट्रेंट्स है इसके, ये विड्थ वगैरह कितनी होनी चाहिए वो भी अभी हम देखेंगे। काउंटर, इसके अंदर एक काउंटर के अंदर एक विजिट लेते हैं, काउंटर स्टाइल है, एक काउंटर टेक्स्ट है, एक इनेबल है, इनपुट बॉर्डर, इनेबल बॉर्डर, एरर के ऊपर ये बॉर्डर कौन सा देगा, एरर मैक्स लाइंस, जब लाइन ज़्यादा क्रॉस करे तो कौन सा होगा, एरर स्टाइल, फिल कलर, इसके अंदर लेट्स सपोज हम एक फिल कलर देखते हैं, कलर डॉट, मैं ब्लू देता हूँ, डॉट विथ ओपेसिटी में इसको दे देता हूँ 0.5। तो एक सेकेंड जी, ये कॉन्स्टेंट है इसलिए मेरे ख्याल में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये मैं देखते हैं किस तरह डिस्प्ले में आता है। ओके, तो इसको मैं ओपेसिटी एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ और देखते हैं अब ये फिल कलर हमें किस तरह का नज़र आएगा। सॉरी, इसको एक दफ़ा हॉट रीलोड करना पड़ेगा। फिल कलर तो इस पर वर्किंग नहीं है मेरे ख्याल में, इसको इनेबल करना पड़ेगा फिल कलर को, इनेबल हम इसको कर देते हैं। ट्रू, तो अब हम इसको हॉट रीलोड करके देखते हैं। अच्छा जी, इम्पोर्ट डॉट डॉट HTML, ये किस तरह से इम्पोर्ट होगी। ठीक है, ओके, अब इसको हॉट रीलोड करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा हॉट रीलोड होने में। ओके, तो ये फिल कलर इसलिए नहीं हमें शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसके इनपुट बॉर्डर है वो नन किया हुआ है, इसकी वजह से वो हमें फिल कलर भी शो नहीं हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम किसी लेक्चर में इसके फिल कलर भी हम देख लेंगे कि वो हमें किस तरह नज़र आते हैं। इनेबल्ड फिल कलर नन हो गया। ठीक है, कंस्ट्रेंट बॉक्स, अब हम ये लेगा बॉक्स कंस्ट्रेंट और यहाँ पे हम इसकी विड्थ देते हैं, मैक्सिमम इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए हम दे देते हैं 50 बाई 50, और मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए वो भी 50 बाई 50 हम दे के देखते हैं। इसको मैं एक दफ़ा कॉस्ट कर देता हूँ, तो अब हम देखते हैं कि ये हमें किस तरह नज़र आता है। तो ये बिल्कुल छोटा सा हो गया। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो मैं इसको रैप करता हूँ एक कार्ड के अंदर ताकि हमें ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कार्ड को हम जो है वो बॉडी वगैरह सारा कुछ देंगे, इसके बॉर्डर वगैरह देंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये बिल्कुल छोटा सा हो गया, इसको मैंने विड्थ अब इसकी बढ़ानी है, तो मैं ये कॉन्स्ट रिमूव करके मीडिया क्यूरी, ओ सॉरी, यहाँ से मैं कॉन्स्ट रिमूव करके यहाँ पे मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज एंड डॉट विड्थ। तो ये क्या करेगा, जितनी भी इसकी विड्थ होगी उतनी विड्थ ले लेगा। तो ये देख रहे हैं हम, ये इसने पूरी की प्रॉपर सारी की सारी क्या कर दी है, विड्थ ले ली हमने, सारी की सारी तो विड्थ नहीं दे रही ना इसको। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सारी की विड्थ को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, लाइक 2 हम करके देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि 3 में क्या होगा, सॉरी 2 पे ज़्यादा होगी, तो इसको हम 1.5 पे करके देख लेंगे, 1.5 ही है, तो मैं 1.2 समथिंग करके देखता हूँ अब मुझे ये कितनी विड्थ मिलती है। ठीक है, इट्स इनफ, हमें इतनी विड्थ मिल रही है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तो ये है हो गया, और इसके बाद इस कार्ड को लेट्स सपोज अगर मैं रैप करूँ लिस्ट स्टाइल के अंदर तो मेरा ये फुली काम होना चाहिए, लिस्ट स्टाइल, और यहाँ पे ये मैं इसको दे देता हूँ टाइटल, टाइटल के बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया, अब ये हमारा टेक्स्ट है इंट टेक्स्ट, अब इसकी ज़रा स्टाइलिंग करते हैं।
इन टेक्सटाइल, जो एक लेता है टेक्सटाइल लेता है टेक्सटाइल, और यहाँ पे मैं इस तरह आ जाता हूँ, और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 16, और इसका मैं कलर, लेट्स सपोज मैं ये नहीं करता, मैं कलर ब्लू करना चाहता हूँ, मैं कलर डॉट ब्लू कर देता हूँ, तो इसको मैं कॉन्स्ट करता हूँ, देखते हैं अभी हमें किस तरह नज़र आता है। ठीक है, ब्लू तो है लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग होनी चाहिए, तो इसके लिए मेरे कंटेंट पेंडिंग यहाँ पे नहीं है, इनपुट डेकोरेशन के अंदर होगा कंटेंट पेंडिंग, ये बिल्कुल। इसके मैं करता हूँ एज इंसर्ट्स डॉट ओनली, और लेफ्ट से मैं इसको दे देता हूँ 10 की पैडिंग दे देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि ये अब हमें किस तरह, तो ये देख रहे हैं ये बिल्कुल हल्की सी स्पेस आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ओके, तो इसको मैं कौन सेट कर देता हूँ, और कौन सेट करने के बाद ये हमारा कार्ड है और ये हमारी स्टाइल है। इसको मैं जस्ट कंट्रोल, अगर आप इंटेलिजेंट यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल आल्ट एल करेंगे तो ये सारा रीफॉर्मेट हो जाएगा। ओके, तो कार्ड को मैं करता हूँ क्लोज ताकि आपको ज़्यादा विजिबल हो। कार्ड का काम हमारा एक दफ़ा ख़त्म हो गया, तो कार्ड के बाद हमारे पास स्टाइल के अंदर ट्रेलिंग, ट्रेलिंग एक विजिट लेता है, और विजिट के अंदर मैं एक पास करूँगा एक कार्ड। पहले एक साइज बॉक्स लेंगे ताकि उस कार्ड का हम कलर साइज वगैरह दे सकें, और साइज में इसके अंदर पहले मैं इसकी विड्थ दूंगा, विड्थ होगी 50x50 की, हम विड्थ और साइज देते हैं, हाइट 50x50, और चाइल्ड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा कार्ड, एक कार्ड में पास करता हूँ। कार्ड के बजाय अलावा आप यहाँ पे हम एलिवेटेड बटन ले लेते हैं, इवेल्यूएटेड, इवेल्यूएटेड बटन, और यहाँ पे मैं एक सेकेंड शो, ओके, इसको ऑन प्रेस चाहिए होता है और इसको एक चाइल्ड चाहिए होता है। ठीक है, चाइल्ड आने के बाद मैं इसको सिंपली, सॉरी, इस तरह, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ, टेक्स्ट के पास टेक्स्ट नहीं मैं पास करता, यहाँ पे मैं एक सेकंड, हम एलिवेटेड बटन नहीं लेते, इसकी जगह आइकन है तो हम आइकन बटन लेंगे ताकि आइकन हम लोग सेट कर सके। क्या क्या रिक्वायर्ड है, आइकन और दूसरा ऑन प्रेस्ड फंक्शन, ठीक है, तो वो हमारा एरर गॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आइकन पास करता हूँ, आइकन इनटू आइकन्स डॉट जस्ट सेकेंड, जस्ट मैं ये डोमेन का ये एक दफ़ा टेम्परेरी लगा रहा हूँ, और इसका साइज मैं दे देता हूँ साइज 25, 30 कर देता हूँ मैं इसका साइज, और इसका कलर कर देता हूँ कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, तो इसको मैं सेट करता हूँ कॉन्स्ट, इसका कुछ बैकग्राउंड होपफुली कलर, हाँ कलर स्टॉट ब्लू, इसका मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू सेट करता हूँ, और आप देखते हैं कि अभी हमारे किस तरह विजिबल होते हैं ये बटन, यहाँ पे विजिबल तो हो गया लेकिन ठीक से नहीं डिस्प्ले दे रहा, इसको हम अब देखते हैं कि ये किस तरह हम इसका कलर सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर अलाइनमेंट, ओवर कलर, स्प्लैश, फोकस कलर, तो ये भी मैं कलर्स डॉट ब्लू दे के देखते हैं। ओके, फोकस कलर में भी यही सीन ही है, ओवर कलर, स्प्लैश कलर, कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसके अंदर हम इसकी साइज वगैरह सेट करने के लिए ऑटो फोकस डिसेबल कर, डिसेबल्ड कलर, ठीक है क्योंकि वो डिसेबल्ड है, इनेबल फीडबैक, फोकस्ड नोट, ठीक है, आइकन साइज, हाईलाइट कलर,
ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ भी एक दफा प्रिंट करवा देते हैं। प्रेस्ट, ठीक है। तो इसको मैं हॉट रीलोड करता हूँ और देखते हैं अभी ये हमारे पास किस तरह विजिबल होता है। ओके, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं सेट हो रहा, इसको देखते हैं हम इसका बैकग्राउंड कलर हम किस तरह सेट कर सकते हैं। फोकस कलर भी नहीं, होवर कलर, कलर स्टार्ट ब्लू, ठीक है। इसको मैं इसकी कंस्ट्रेंट्स वगैरह दे के देखता हूँ। बॉक्स कंस्ट्रेंट्स, और यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमम हाइट दे के देखता हूँ, 50x50। माइट पीस से काम हमारा हो जाना चाहिए। तो ये ब्लू कलर नहीं एक्सेप्ट कर रहा, डोंट नो क्या इशू आया हुआ है। ठीक है, मैं आइकन का कलर एक दफा मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये आइकन का कलर, इसका साइज जो है वो मैं कर देता हूँ 20, और 20 सेट करने के बाद इसके बाद हम देखते हैं कि इसका कलर क्यों नहीं सेट हो रहा। ये तो हम किसी और तरीके से हम इसका कलर सेट करेंगे। हाईलाइट कलर स्टार्ट ब्लू, और खाली हम कलर दे देते हैं कलर स्टार्ट ब्लू। दोनों को हम ब्लू ब्लू देख देखते हैं कि अब डिस्प्ले होता है या नहीं। नहीं, ये अभी भी नहीं, ठीक है। इसको हम सिंपली ये कार्ड के अंदर हम रैप कर देते हैं। कार्ड और कार्ड को हम कलर दे देंगे कलर स्टार्ट ब्लू। होपफुली अब तो कलर आ जाना चाहिए जी। ठीक है, कार्ड के अंदर इसका कलर आ चुका है, तो इसकी हम ये वाले कलर्स जो है हम रिमूव कर देते हैं। हम किसी और लेक्चर में देखेंगे कि इसके कलर्स क्यों नहीं आए। माइट भी इसका साइज सेट होने की वजह से, और फोकस है, अलाइनमेंट है, स्प्लैश कलर है। कलर स्टार्ट ग्रे देख देखते हैं स्प्लैश कलर का अगर हमें विजिबल हो तो। नहीं, ठीक है। इसका मैं कलर्स जो है ब्लैक की बजाय मैं वाइट कर देता हूँ। तो ये हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो ये सेम एज इट जो हमारी इमेज है ये कुछ ना कुछ उस जैसा बन चुका है। ठीक है, ओके। तो ठीक है जी, ये हमारी लिस्ट स्टाइल में हमने सारा अपना काम कंप्लीट कर लिया। लिस्ट स्टाइल के अंदर हम टाइटल के अंदर हमारा वो कार्ड है जो इमेज हमें डिस्प्ले वगैरह दे रहा है, और ट्रेलिंग के अंदर ये हमारा साइज बॉक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर हम थोड़ी सी स्टाइलिंग और कर लेते हैं। इसकी मैं एलिवेशन बढ़ा देता हूँ, एलिवेशन मैं 2.0 कर देता हूँ, और सेम एज इट इस तरह ही मैं नीचे वाले की एलिवेशन जो होगी वो भी मैं ज़्यादा कर देता हूँ। साइज बॉक्स और यहाँ पे कार्ड, और ये एलिवेशन 2.0। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये थोड़ी सी इनके नीचे ये देखें आप, शेडो आ गई, थोड़ा सा ये ब्राइट ब्राइट कलर्स आ गए हैं। तो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के लिए ठीक है, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, और इमेज के अंदर जिस तरह मेंशन है क्या लिखा हुआ है, पेट कैटेगरी। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं पेट कैटेगरी, CATEGORY, पेट कैटेगरी। ठीक
और यहाँ पे मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ स्टाइल, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ गूगल फॉन्ट्स डॉट लेटो, और लेटो के अंदर अब हम पास करते हैं हम अपने डिफरेंट, मैं इसको कलर्स देता हूँ कलर्स डॉट ब्लू, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसकी कुछ शेड्स मिलेंगी, जिनमें सबसे ज़्यादा 900 ब्लू, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 900, तो ये फुल डार्क शेड हो जाएगी। और फॉन्ट साइज़ मैं इसका दे देता हूँ 25, फॉन्ट वेट 70, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये मैं नीचे किस तरह डिस्प्ले में आते हैं। जी ये तो मैं नीचे डिस्प्ले में आ चुका है, लेकिन थोड़ी सी स्पेसिंग इसके अंदर हमें करनी पड़ेगी, तो मैं रैप के अंदर आऊँगा और स्पेसिंग मैं डबल में दे देता हूँ 20। हाँ 20 की स्पेस मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया, और ये इसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट में करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं करना, सिंपली जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है इसके हम रैप कर देंगे अपने पैडिंग के अंदर, और पैडिंग कर देने से वो क्या हो जाएगा, वो सारा सेट हो जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर पैडिंग सेट हो जाएगी, जस्ट सिंपली एक्शंस। और ये जो हमारा रैप है इसको हम दे देंगे, इसके अंदर ही हम पैडिंग देखते हैं। जी तो इसके अंदर हम पैडिंग देखते हैं, हमारे पास होनी तो चाहिए क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और रनिंग स्पेस अलाइनमेंट, रन अलाइनमेंट है ठीक है। टेक्स्ट ट्रैक्शन नहीं इसके अंदर हमारे पास, मेरे ख्याल नहीं इसके अंदर हमारे पास स्पेस नहीं है, तो रनिंग स्पेस इसके अंदर मैं 20 दे के देखते हैं कि कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। नहीं रनिंग स्पेस किस नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम रैप कर देंगे हमारी पैडिंग के अंदर, और ऑल ओवर पैडिंग हम दे देंगे ओनली ऑन जस्ट 20, 20 के बजाय हाँ 10, 10 दे देते हैं ठीक है। तो ये सारी की सारी इसके अंदर पैडिंग आ जाएगी, लेकिन ये किसी हद तक ठीक नहीं है, तो पैडिंग हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम रैप कर देंगे लिस्टाइल के अंदर, लिस्टाइल और लिस्टाइल की जो टाइटल है वो हमारे लिए खुद ही स्पेसिस सेट कर देगा। अभी हम इसको देखते हैं, तो ये देख रहे हैं ये हमारा टाइटल जो है वो उसने खुद ही हमारे लिए स्पेसिस सेट कर दी। और ये थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट है, इसको मैं फॉन्ट को 20 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा विजिबल हो हमारे लिए। जी अब बिल्कुल ठीक है, तो स्पेस इसके साथ मुझे ज़्यादा लग रही है, तो इसकी स्पेस हम कम कर लेते हैं रैप में जाके। मैं स्पोर्ट तो नहीं भाई, हमें स्पेसिंग ज़्यादा मिल रही, हमें स्पेसिंग कम करनी चाहिए। ओके जी तो यहाँ पे स्पेसिंग कम है, अभी यहाँ पे अब है हमारा मसला ये कि अब हमने हमने कार्ड दिखाने हैं, अब क्या करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पे एक लिस्ट आयल थी और ओके इसके अंदर ये हम इसको कर देंगे क्लोज, और क्लोज करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे एक लूँगा साइज्ड बॉक्स, और इसके अंदर लूँगा चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर लूँगा मैं कार्ड, और सेम वही काम हम दोबारा करेंगे। कार्ड के अंदर हो गए हमारे पास चाइल्ड, और चाइल्ड में हो गए हमारे पास लिस्ट आयल, और लिस्ट स्टाइल के बाद हमारा उसके अंदर टाइटल है, और टाइटल के अंदर मैं कर दूंगा इमेज, इमेज डॉट एसेट्स, और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लूंगा ये, क्योंकि यही था हमारे पास एक दफ़ा डॉग के लिए, मैं ये जस्ट इसका पाथ ही कॉपी कर रहा हूँ टेम्परेरी तौर पे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको जब डायनेमिकली ज़्यादा करेंगे तो फिर हम देखेंगे। इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 50, और हाइट दे देता हूँ 50x50। तो इसको अब हम देखते हैं कि ये हमारे यहाँ पे किस तरह विजिबल, ठीक है। तो ये साइज बॉक्स है, इसको हमने विड्थ वगैरह नहीं दी हुई, तो इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 60x60 की करके देखते हैं 60, और हाइट कितनी है इसकी 60, 60x60 की करके देखते हैं। तो ये बिल्कुल जी एग्जैक्टली हमारा उसी तरह कार्ड बन चुका है, तो इसकी विड्थ उसके मुताबिक सेट हो रही है। तो इसको मैं यहाँ से ये करूँगा रिमूव ताकि हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो है इसका साइज सेट हो जाए। अब देखते हैं कि अब हमें ये किस तरह विजिबल हो रहा है।
ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये डॉग का साइज इतना है, तो मैं विड्थ देता हूँ 150 और हाइट 150। अब देखते हैं कि अभी ये हमें किस तरह विजिबल होता है। ठीक है, सेम ही है लेकिन साइज में कोई इशू नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका हम साइज इंक्रीज कर देते हैं 100 by 100। अब देखते हैं अब हमारा कार्ड किस तरह विजिबल है, क्योंकि हमने इसके अंदर नीचे टेक्स्ट भी लिखना है। ठीक है, अब हमारा कार्ड ज़रा अच्छे तरीके से विजिबल है, और ये टाइटल है, और इसके साथ ही मैं इसकी भी एक प्रॉपर्टी है सब टाइटल। ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, वो इसकी डॉग की इमेज हारिस उसके हिसाब से सेट कर लेगा स्क्रीन के हिसाब से। सब टाइटल, और सब टाइटल में मैं ये पास कर दूंगा, टेक्स्ट पास कर दूंगा, और टेक्स्ट का मैंने एक प्रोफेशनल वे बताया था, तो वो प्रोफेशनल वे को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम पास करते हैं, यहाँ पे मैं एक इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ डॉक, और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ डॉक। तो यहाँ पे मैं ये सिर्फ ये कॉल करूँगा स्ट्रिंग्स डॉट डॉग, तो वो यहाँ पे जो डॉग लिखा हुआ है वो आ जाएगा, और यहाँ पे मैं इसकी स्टाइलिंग देता हूँ गूगल फॉन्ट्स डॉट लेटो, जो हम अपनी मर्जी से, इसकी मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 20, और इसका कलर दे देता हूँ कलर्स ओके, तो वो ऑरेंज कलर था, तो हम कलर स्टार्ट ऑरेंज देंगे। अब हम देखते हैं कि ये अब हमारा किस तरह नज़र आता है। तो ये एक डॉग है, और इसको हम इसके टेक्स्ट की हम अलाइनमेंट जो है वो हम सेंटर कर देंगे कि ये टेक्स्ट है और ये इसकी अलाइनमेंट है। टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर। अब ये देखते हैं अब हमें ये किस तरह विजिबल होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है डॉक। ये स्क्रीन इमेज थोड़ी सी बड़ी है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं अगर हो जाए। ठीक है, हम इसको इमेज किस तरह छोटा नहीं करेंगे, इसको इमेज को हम रैप कर देंगे पैडिंग के अंदर, ताकि ये किसी बड़ी स्क्रीन में पैडिंग ज़्यादा हो तो क्या हो, कम हो जाए। पैडिंग में देता हूँ 10 की। अब हम देखते हैं कि अब ये इमेज हमारी किस तरह, ठीक है, इमेज हमारी छोटी हो चुकी, अब स्क्रीन बड़ी हो जाएगी तो इमेज का साइज़ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसको सारा तरफ से सिर्फ पैडिंग मिली हुई है। ठीक है, तो ओके, तो डॉग ये इस तरह हो गया डॉग। ओके, हम देख लेते हैं हमारी इमेज में किस तरह था, बिल्कुल इसी तरह था एग्जैक्टली डॉग, और नीचे से इसको थोड़ी सी पैडिंग और चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो इसको पैडिंग और चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखते हैं कि इसको डायनेमिकली अब हम 3-4 यहाँ पे किस तरह हम सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को लर्निंग में अच्छा भी लग रहा है या नहीं, या कुछ चीज़ अगर इम्प्रूव होने वाली है तो ये चीज़ मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।